क्या बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय क्रिकेट के इतने सारे कलंक धो पाएंगे सौरव गांगुली। बुधवार को मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के हेड क्वार्टर में जनरल बड़ी मीटिंग के दौरान आधिकारिक तौर पर सौरव गांगुली की नियुक्ति की घोषणा की गई। बुधवार को मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के हेड क्वार्टर में जनरल बड़ी मीटिंग के दौरान आधिकारिक तौर पर सौरव गांगुली की नियुक्ति की घोषणा की गई। क्या बीसीसीआई के अपने ही टूर्नामेंट आईपीएल में कथित सट्टेबाजी और क्या बीसीसीआई आईसीसी से मिलने वाला अपना हिसाब बढ़ा पाएगा और इससे भी बड़ा सवाल कि भाई भतीजावाद से भरी पड़ी बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों को कैसे संभालेंगे। सौरव गांगुली की टीम में परिवारवाद जमकर हावी है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के भाई कोषाध्यक्ष हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह सचिव हैं। इनके बीच सौरव गांगुली कैसे काम कर सकेंगे। बता दें कि सौरव के पास सिर्फ 10 माह का समय था। तकनीकी रूप से उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।